ऑफ रोडिंग। ओ हो, मैं बात करूंगा NS 400Z की, और इसके बहुत ज्यादा वीडियोस जो है यूट्यूब पे अपलोड हो चुके, बट ऐसी मैं चीजें बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। और फ्रंट से देखे ना तो भाई इसके जो लुक है काफी तगड़ा हो निकल के आता है। इतनी अट्रैक्टिव बाइक मैंने आज तक नहीं देखी। और इसकी मेन चीज है भाई वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, 2,25,000 ऑन रोड अहमदाबाद है। और एक शोरूम प्राइसिंग की बात करें तो 1,85,000 इसकी प्राइसिंग निकल के थी, और वो भी 400cc की इंजन की वाली बाइक मिलेगी क्या आपको? तो मैं आपको सारी चीजें बता, बट हेडलाइट वाइज देखो ना इसका कोई तोड़ नहीं भाई। लुक वाइज ना फ्रंट से बहुत ही महंगी गाड़ी जा रही हो ना वैसी वाली फील है वो देती है ये बाइक। और यहाँ पे अपने को हेडलाइट देखते ऐसे कुछ अपने को हेडलाइट हो मिल जाती हो। फ्रंट में हम देखें तो USB फोक्स हो यहाँ पे उपलब्ध होती है, और आगे पीछे दोनों तरफ अपने को डिस्क ब्रेक हो उपलब्ध होती है। फ्रंट में देखें तो 320 और पीछे देखें तो 230mm की डिस्क ब्रेक की साइज वो मिलती है। 110x17 इंच का यहाँ पे अपने को टायर में, तो इसकी एलॉय व्हील की जो डिजाइनिंग है वो काफ़ी तगड़ी निकल के आती है, एकदम अट्रैक्टिव लगती है। पीछे देखें तो थोड़ा सा वहाँ पे एक कैच है, बट यहाँ पे अपने को जो है USB फोक्स मिलते हैं जो पूरे कॉम्पिटिशन में इतने नहीं आते। और मैं ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस प्राइसिंग पे भाई इसकी कोई मतलब कि 1,00,000 के बाद एक बाइक आती है ड्यूक 390, उसके साथ ये बाइक कम्पीट करती है, और डोमिनार से बहुत सारी चीज़ें ये बोरो करती है। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 168mm का यहाँ पे अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और साइड से देखें ना तो काफ़ी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ द पल्सर लुक यहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें मतलब कि उतनी चेंज नहीं हुई। यहाँ पे अपने को भाई इंजन मिलता है जो मैं मतलब कि जो इसकी पावर प्रोडक्शन है वो सारी चीज़ें तो मैं आपको जब चलाऊंगा तब बताऊंगा। बाकी यहाँ पे अपने को साइड में देखें तो यहाँ पर भी जो है सॉफ्ट टच आते हैं, देखना ये जो चीज़ देख रहे हो ये भी सॉफ्ट टच है, तो उससे क्या होगा कि आपको ग्रिपिंग में ज़्यादा हेल्प वो होती है। एंड इसकी हम टैंक की बात करें थोड़ा सा ये छोटा रहेगा, 12 लीटर का यहाँ पे अपने को फ्यूल टैंक मिलता है। अगर आप इसे लॉन्ग रेंज पे लेके जाते हो तब थोड़ा सा होगा कि यार 15-16 लीटर का होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, बट हाँ अब तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है तो पेट्रोल पम्प की उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। एंड इसकी सीट हाइट की बात करें तो 807mm इसकी जो सीट हाइट है वो निकल के आते, तो एवरेज इंडियन के लिए ना काफ़ी बेहतर है। आपको जो है मेरी जितनी हाइट होगी मतलब मेरी 180 हाइट है उससे भी कम होगी, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली इसे चला सकते हैं। और इसका जो भाई सेक्शन देखे ना लाइक राइडिंग पोस्चर भी देखे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल निकल के आते। और इसका जो व्हील बेस जो है 110mm कम है डोमिनार से, तो इसकी जो हम डोमिनार में कई बार क्या होता है कि भाई सिटी राइड कम्फर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता, बट इसके अंदर वो चीज़ नहीं, आप आराम से सिटी में भी और हाईवे पे भी डोमिनेट करोगे क्योंकि इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी तगड़ा निकलता है। बात करते हैं ये स्क्रीन की जो एकदम नई मिलेगी यहाँ पे, तो पहली चीज़ तो भाई यहाँ पे जो ब्लू चीज़ है वो आपको अट्रैक्टिव कर रही है, और इसके अंदर अपने को भाई कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं। आप बजाज राइड ऐप जो है वो डाउनलोड करोगे तो आपको सारे कनेक्टिव फीचर मिलेगा, बट आप म्यूज़िक कंट्रोल करना हुआ फिर आपको जो है म्यूजिक चेंज करना होगा, मिस कॉल और नेविगेशन तो वो अलग चीज़ है, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान खींचना चाहता हूँ कि क्या होगा कि आप कनेक्ट करोगे तो आप म्यूजिक चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, बट क्या एक्चुअल में आपको उन फीचर्स की ज़रूरत है? मेरा तो यही मानना है कि जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे रोड से वो सारी चीज़ें अपने को बाइक में नहीं मिलने चाहिए। और मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई बाइक चलाते वक्त आप गाने सुने या फिर चेंज करें कुछ भी करें, आप रोड पे है तो भाई 100% ध्यान अपना रोड पे ही दीजिए, बाकी वो चीज़ आपके ऊपर है। कंपनियां भी कहते हैं ना कि वो रेड रेस में दौड़ जाती है कि भाई उन्होंने ये फीचर दिया है तो हमें भी वो फीचर देना पड़ेगा, पर वो सोचते नहीं कि भाई क्या एक्चुअल में सेफ्टी वाइज ये चीज़ सही है या गलत। तो यहाँ पे जॉयस्टिक मिलेगा ऊपर नीचे सेट एंड बाहर निकलने के लिए, ये सारी चीज़ें हो ये छोटी सी स्क्रीन के लिए ही दी गई है। यहाँ पे अपर डिपर लाइट चालू करना वो सारी चीज़ें हो गई, नीचे हॉर्न टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे अपने को पार्किंग लाइट भी मिल जाती है, फिर यहाँ पे अपने किल स्विच हो गई यानी अपने को वो इग्निशन ऑन करनी है ऑफ करनी है उसके लिए होगा, फिर यहाँ पे अपने को नीचे की तरफ देखते ट्रिप
एंड बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। जस्ट नॉर्मली जॉयस्टिक में एक मैं चीज़ें बता दूँ, ये सेट है तो मतलब उसे मान लो कि ये ओके जैसा है, ये ऊपर नीचे टॉगल करने के लिए हो गया और ये बाहर निकालने के लिए हो गया, ठीक है, ये समझ गए ना आप। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है भाई कि यहाँ पे DTA है ना, कहाँ गया भाई DTA, कहाँ गया नहीं पीछे होगा, ट्रिप एंड बाइक इन्फो, देखो इतने अंदर आता भाई, डिस्टेंस टू एम्प्टी DTA जिनको नहीं पता होगा भाई, इतने अंदर आने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई डिस्टेंस टू एम्प्टी इतना है, तो ये थोड़ा सा बाहर हो सकता है, उसका प्रॉपर एक सेक्शन बना आना चाहिए या फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे ही होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई आपको जानना होता है कि भाई बाइक के अंदर कितना फ्यूल है और ये कहाँ तक चल सकती है, ये इंफॉर्मेशन जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ जो बाहर होनी चाहिए थी। और पीछे से देखें तो यहाँ पे अपने को सिग्नेचर पल्सर लुक मिलता है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, ये चीज़ थोड़ी बदले, पूरा लुक एकदम चेंज कर दिया, बहुत ही तगड़ा लुक कर दिया है, सारी चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट की है, बट हाँ ये चीज़ें थोड़ी जो है सुधर सकती थी। और इसका प्राइसिंग आखिर क्यों इतना कम हुआ है, तो पहली चीज़ में बताओ कि जो सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हाँ उन पे कुछ काम किया गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि भाई एकदम ही नई चीज़ ला दी हो, कि बजट के पास ये चीज़ तो थी नहीं, उन्होंने खुद डेवलप की, मतलब कि R&D में इन्होंने पैसा को बचाया, सालों से ये चीज़ें चलती आई, डोमिनर के इंजन भाई सालों से भाई मतलब किंग है इंजन में, हम कहे सारे हम सस्पेंशन देख ले, सारी चीज़ें अपने को जो है पहले बजाज की बाइक्स में आती थी, तो वहाँ पे उन्होंने पैसे वो बचाए। और इंजन वाइज हम देखें तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती उतनी कुछ खास नहीं होती, जो मेन कॉस्ट होती वो R&D की ही होती, तो वहाँ पे प्राइसिंग इसकी जो है बच गई। यहाँ पे अपने को नाइट्रोस का 6 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन हो आता है, यहाँ पे अपने को टायर साइज की बात करें तो मैं बोल रहा था कि 1 kg से पीछे, कि भाई यहाँ पे अपने को 140 सेक्शन मिलता है, नॉर्मली यहाँ पे अपने को 150 सेक्शन मिलता है, बट हाँ यहाँ पे थोड़े से पैसे बचाए हैं, बट ये टायर भी काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं, आपको ऐसे अच्छे फील नहीं होगा भाई, हाँ एक साइज़ बड़ा होता तो मज़ा आता, 140x17 R17 इंच के यहाँ पे अपने को टायर मिलता है, डिस्क ब्रेक आएगी, ड्यूल चैनल ABS हो गया, मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है आपको, वो सारी चीज़ें हो उपलब्ध होती हैं यहाँ पे अपने को। देखो बेजिंग की मैं आपको मैं एक थोड़ा सा इंसाइट दे दूँ कि यहाँ पे अपने को NS400Z की वो बेजिंग मिलती है, कलर्स देखे तो यहाँ पे अपने को काफ़ी अट्रैक्टिव कलर हो उपलब्ध हो जाते हैं NS में, आपको कलर वाइज कोई ऐसा जो फील नहीं होगा भाई हाँ मुझे ये कलर चाहिए था बट यहाँ पे मिल नहीं रहा, आपको सारे जो एक अट्रैक्टिव कलर चाहिए वो मिल जाएंगे यहाँ पे अपने को। पल्सर का 3D बैजिंग मिलेगा, फ्यूल इंजेक्शन भी यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे अपने को जो गियर्स देखे तो अपने को 6 गियर हो उपलब्ध होते हैं, और इसकी जो ब्रेक की पोजीशन भी देखें ना, तो ब्रेक की पोजीशन पीछे रखी जाती है इंजन से, तो क्या होता है कि जो हीट होगा तब यहाँ पे अपने पैर में हो उतना जो है गर्म हवा नहीं है, बाकी ये जो इंजन हो काफ़ी ज़्यादा हीट नहीं होता क्योंकि लिक्विड कूल इंजन है, तो आराम से भाई ये फटाफट गर्म नहीं होता। चलिए अब चलाते हैं NS400Z को। पहली चीज़ ना, इट्स डजेंट फील कि आप 400 की बाइक चला रहे हो, इसका मेन रीज़न यही है कि जो यहाँ पे कॉम्पैक्ट चीज़ें की गई हैं वो आपको काफ़ी हेल्प हो करती है, एंड इसके अंदर जो आपको मोड्स हो डिफरेंट आएंगे, तो हम इसे ऑन द गो चाहे तो भी इसे हो चेंज कर सकते हैं, लाइक आपको व्हीकल इन्फो में जाना पड़ेगा, फिर राइड मोड, फिर यहाँ पे आपको जो है कोई भी मोड चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मैं अभी इसे स्पोर्ट्स मोड में करते तो आपको जो है क्लोज क्या करना होगा भाई, आपको जो एक्सेलरेटर प्रेस करो तो उसे क्लोज करके वो चेंज होता जाएगा, तो अभी मैं इसे फिलहाल स्पोर्ट्स मोड में देख रहे क्या चीज़ें हैं। ऑन द गो चेंज करना कहीं ना कहीं एक कहीं की सेफ्टी इशू रहता है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो आपका ध्यान हो भटक जाता है, और इसके हम मोड्स वाइज देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि भाई पावर में ही चेंज रहेगा, नहीं यहाँ पे जो है मोड चेंज करते तो ABS का भी जो है रोल बदलता जाता है, लाइक आप ऑफ रोडिंग मोड में लोगे तो सबसे कम यहाँ पे अपने को जो है ABS को रोल प्ले करेगा,
बाकी ऑफ रोड मोड ये है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम भी भाई आप ऑफ रोडिंग कर दो। हाँ, वो आपको ABS थोड़ा सा कम रोल में आएगा, आपको जो है पावर लीनियर मतलब की कहे कि भाई स्टार्टिंग से ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा टर्की हो जाएगा, ये चीज़ होती। बाकी ऐसे कुछ मेजर चेंज हो ज़्यादा नहीं होता। इसे मैं करता हूँ ऑफ रोड मोड में, तो कैसे ये काम करता है, राइड मोड एंड ऑफ मोड्स। तो अभी है यहाँ पे ऑफ रोडिंग मोड में, देखते भाई क्या होता है, क्या चेंज देखने को मिलता है। ख़राब रास्तों पर भी मैं देख लूँगा भाई कैसे हिसाब से ये चलती है, ख़राब रास्तों पर इसके जो सस्पेंशन है वो कैसे वो परफॉर्म करते हैं। तो ख़राब रास्तों पर हम देखें ना तो इस डजन फील के कट्टे हैं वो आ रहे हैं, लाइक अंडेशन वाले में आपको दिखाई दी तो उतना फील नहीं होता, सस्पेंशन में कोई आवाज़ भी नहीं आती, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मैं मानता हूँ। बाकी यहाँ पे अपने को जो मिट्टी मिट्टी में चलाओगे आराम से ये जो टायर है वो फ्लोट होते होते जाएंगे इजीली ऑफ रोडिंग, ओहो और मैं काम कर जाते हैं। और मैं भाई दो लोगों के साथ ये टेस्ट कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पीछे पिलियन भी बैठा है तो उसे कैसा फील होगा, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो ये चीज़ ना आपको और कहीं पर नहीं मिलती, प्लीज़ हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। बट एक चीज़ है कि जो पीछे पिलियन बैठा है वो काफ़ी आप कई बार पुश भी करोगे तो वो आगे जो है आपकी तरफ वो पुश हो जाता है, तो वो एक चीज़ है कि प्रॉपर एक आपको जो है वहाँ पे ट्रैक्शन वो नहीं मिलता। दूसरा है यहाँ पे अपने को रेन मोड मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा जो एविडेंट हो जाता है, ABS मोड एंड ट्रैक्शन दोनों जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बाकी जो मोस्ट पावरफुल मोड है वो है भाई स्पोर्ट्स मोड अपना, वहाँ पे अपने को ज़्यादा पावर मिलती है, इसकी हम फ्यूल एफिशिएंसी देखें तो आराम से आपको भाई 23-30 के आसपास अपने को जो है फ्यूल एफिशिएंसी ये बाइक वो दे दीजिए आप जो। एंड इट्स डजंट फील कि आप बाइक कोई इतनी भारी बाइक हो चला रहे, बाकी भारी बाइक तो नहीं, 178 kg की ये बाइक है, बट ये फील नहीं करवाती आपको आराम से कॉर्नरिंग करनी हो, आप कहीं पर भी छोटी से छोटी जगह पर निकालना हो इजीली आप इसे निकाल सकते हो। अहमदाबाद के प्रॉपर ट्रैफिक में रिक्शा विक्शा के अंदर अंदर आप इजीली इसे टॉपल कर सकते हो, और उसके लिए ही ये डिज़ाइन हो की गई, आराम से इसे आपको निकालना हो। और फील है ना काफ़ी फटाफट ही मैं अचीव कर देती, 0 to 100 देखे तो 6.7 seconds और 0 to 60 देखे तो अराउंड 2.3 seconds है। तो भाई पलक झपकाते ही ये जो है बड़ी स्पीड पे अचीव वो कर देती है। और ऐसे चलाने वाइज ना ये बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि भाई आपको पावर भी तगड़ी मिलती, ब्रेक्स वाइज देखे ना तो ब्रेक भी काफ़ी अच्छी ब्रेक्स हों यहाँ पे उपलब्ध हो जाती आराम से। भाई यहाँ पे जो है ड्यूल चैनल ABS हो गए तो जो है ये ब्रेक प्रेस करते वक्त जो है अपने को लेफ्ट राइट नहीं जाती, एकदम स्ट्रेट लाइन में ही रहती है। 20-30 की स्पीड पे आप इजीली तीसरे चौथे गियर पे रहते, ऐसा फील नहीं कर रहा था कि भाई आपको जो है गियर फटाफट चेंज वो करने पड़ेंगे, आराम से देखना है। लाइक मैं 30 के आसपास भी लेके जा रहा हूँ तो ये अच्छी फील देती है आपको। तो भाई अब बात है इसके कंक्लूजन की, क्या आपको ये लेनी चाहिए नहीं। तो देखो चलने वाइज फील वाइज काफ़ी तगड़ी है, और वो चीज़ नहीं है कि लाइक आप पैसे बचाओगे, मतलब इतनी प्राइसिंग में आपको ये बाइक दिख रहे और आपको भाई ऐसा फील होता था भाई कि इतने प्राइसिंग में तो 400 cc एक पावरफुल इंजन वाली बाइक नहीं मिलती, तो NS 400 काफ़ी तगड़ी बाइक है। बट ऐसा सोच के चलो कि भाई आपके पास 4 lakh है, आपको खर्च नहीं है, बट आप ये सोचो कि भाई पैसे बचाने के लिए मैं ये ले लूँ, तो शायद आप उतने जो है कंफर्टेबल या फिर कहे कि खुश नहीं हो। क्योंकि देखो इसकी जो पावर डिलीवरी है ना कहीं एकदम लीनियर रखी जाती है, सिटी फ्रेंडली रखी जाती, एकदम आपको डोमिनेट नहीं करेगी। हम डोमिनर में देखें ना तो एकदम आपको टू द पॉइंट पावर मिलेगी, ये मोर ओवर सिटी फ्रेंडली बाइक रहती है कि आपको ज़्यादा जो पावर है 3000 के आसपास 80% पावर मिल जाती। बट हम डोमिनार देखें या फिर 390 देखें तो इससे अपर हैंड रखती इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द इंजन,
काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है ड्यूक 390 में, बट हाँ इतने प्राइसिंग पे ना इससे बेहतर बाइक कोई नहीं। आपको लेनी हो तो अमी बजाज लाल दरवाजा पे आ सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको बजाज के सारे प्रोडक्ट्स वो देखने को भी मिल जाएंगे, उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बात थी कि भाई डोमिनार से किस हिसाब से अच्छी, तो देखो इसकी जो व्हील बेस है ना वो कम है, तो उसकी वजह से आपको जो सिटी फ्रेंडली है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड चलाने में, और इसका जो पोजीशन भी है मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे, ऐसा नहीं फील होता कि मैं ऐसे बैठा हूँ या फिर ऐसे, आप नॉर्मली जैसे बाइक चला तो वैसे ही बैठते हो। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये बाइक कैसे लगी। मैं तो चलता हूँ भाई राइड करने, क्योंकि ऐसी बाइक बार बार तो मिलती नहीं, तो चलाना तो पड़ेगा ही ना।